हाय तो मैंने सोचा क्यों ना ओनम पे एक ये लुक क्रिएट कर लिया जाए वैसे मुझे तो ये लुक काफ़ी पसंद आया है आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये लुक कैसे लगा तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्रिएट किया सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आईब्रोज़ को फिल करने से एंड इन सबसे पहले स्किन केयर इज मस्ट अदरवाइज आपका मेकअप केक ही लग सकता है देन हम आज हम ना आइज़ का लुक पहले क्रिएट करने वाले सो so दैट इसमें जो भी फॉल आउट वगैरह मैं आज करने वाली हूँ ना जैसे आज मैं ग्लिटर्स यूज़ करूंगी तो वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो इसलिए मैं पहले कंसीलर से अपनी आइज़ को कंसील कर ले रही हूँ उसके के बाद मैं अपना आई मेकअप करूंगी उससे पहले मैं सेट कर लेती हूँ कंसीलर को एक कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से एंड देन जब ये सेट हो जाएगा तब इसके ऊपर हम कलर्स का एप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले ये ऑरेंज कलर लिया है बहुत लाइट ऑरेंज कलर है इसको पूरी आईस पर अच्छे से ब्लेंड किया है देन थोड़ा उससे डार्क शेड लिया है वापस से धीरे धीरे कलर बिल्डअप किया है मैंने ना दो तीन ऑरेंज के शेड्स लिए और धीरे धीरे करके बिल्डअप किया एंड लास्टली मैंने ना आउटर कॉर्नर्स पे और थोड़ा सा अपने आईलाइनर के एरियाज में इंटेंसिटी दाग की है एंड देन मैंने वापस से सेम कंसीलर लिया और एक फ्लैट टॉप ब्रश की मदद से उसे हाफ हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यानी थ्री फोर्थ आईलेट पे अप्लाई किया है बिकॉज आज मैं ना कंसीलर के ऊपर ग्लिटर लगाऊंगी जिससे कि फॉलोअर्स कम से कम हो और इंटेंसिटी जो आए वो काफ़ी अच्छी आए तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर और ये बहुत ही प्यारा आइवरी सा शेड है जो मेरी आ, आज के आउटफिट से मैच करने वाला है देखिए आप फॉलोअर्स कितना ज़्यादा हुए हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं है हम अभी वैसे भी इसको सही कर देंगे जब पूरा मेकअप हो जाएगा नेक्स्ट हमारे एजेस हार्श ना लगे जो ग्लिटर अप्लाई किया है इसके लिए मैं एक डार्क कलर ब्राउन का लेके और इसको मर्ज कर लूँगी एजेस को भी जितना भी ग्लिटर का है और इनर कॉर्नर्स पे सब जगह इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है नेक्स्ट हम करेंगे फेस पे अपने फाउंडेशन का एप्लीकेशन प्राइमर और बेस में पहले कर चुकी थी तो मैंने वो नहीं शो किया है आपको नेक्स्ट मैं अपने स्किन कलर से मैच करता हुआ फाउंडेशन ले रही हूँ इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी नेक को भी कवर करिएगा बिकॉज आज मैंने साड़ी पहनी है तो मुझे नेक और फेस में डिफरेंस नहीं चाहिए सेम कंसीलर लूँगी और आउटर कॉर्नर्स और इनर एरियाज़ पे जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ वहाँ पे अप्लाई करूंगी और इससे क्या होगा ना हमारे जो आई शेडो का आज लुक है ना वो थोड़ा क्लीन होकर आएगा ऐसे तो मैं हमेशा रफली छोड़ देती हूँ बट मैंने बाद में आज किया है कंसीलिंग तो इससे क्या है ना एजेस बड़े स्मूथ दिखाई देंगे एकदम शार्प दिखाई देगा आई लाइनर एंड नेक्स्ट यहाँ पर बेकिंग कर रही हूँ मैं जिससे कि जो भी कंसीलर वगैरह है वो अच्छे से सेट हो जाए कुछ देर मैंने छोड़ दिया था बेक करने के बाद एंड देन इसको पाउडर ब्रश से हटा दिया था तो इसके बाद से ना कंसीलर वग़ैरह कुछ भी Uh, इधर से उधर नहीं होगा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है नेक्स्ट मैंने कॉन्टो ब्रश uh, से कॉन्टो पैलेट uh, लिया है शुगर का और उससे मैंने ना कॉन्टो शेड को लिया है और उसको अपने जहाँ जहाँ मुझे लगता है डेफिनेशन देनी है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड यू विल सी द डिफरेंस अभी मैं नोज़ पे लगाऊंगी एंड यू कैन सी एक तरफ की नाक कैसी लग रही थी <laughs> तो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई किया एंड देन सेम पैलेट से मैंने सेम ब्लश को लिया है एंड सेम ब्रश की मदद से मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ इंटेंसिटी धीरे 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 करके मैं बिल्डअप करती हूँ सो दैट एक

मैंने मस्कारा से कोट किया है एंड मस्कारा लगाऊँ और लगे ना इम्पॉसिबल है उसे मैंने बाद में हटा लिया फिलहाल तो ये है मेरा मस्कारा अप्लीकेशन और उसके बाद मेरे को लगाना कि आई लगाना चाहिए तो मैंने आई भी लगा लिया था बट वो स्किप कर दिया मैंने दिखाया नहीं आपको बिकॉज़ मेरा प्लान नहीं था लास्ट में मैंने मार्स का ये लिपस्टिक लगाया जो कि बहुत बोल्ड लिप है लिप कलर है जो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ तो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक आई होप आपको अच्छा लगा होगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा और क्या आप भी क्रिएट करेंगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय